श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, शनिवार के दिन इस बार पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि बहुत ही शुभ संयोग है। इस वीडियो में आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर आपको तीन उपाय बताएंगे, जो कि आपको ये उपाय आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ चतुर्थी तिथि आ रही है तो उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएँ, सभी इच्छाएँ पूर्ण होंगी। तीन दिन आपको ये उपाय करने हैं, कोई भी, चाहे चतुर्थी तिथि का आप बुधवार के दिन तीन बुधवार कर लें, या फिर तीन सोमवार कर लें, या तीन चतुर्थी तिथि पर कर लें, जैसे भी करके तीन उसमें आपको ये उपाय करना है। आते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। ये उपाय है, अगर घर में धन संपदा का कष्ट है, ऐश्वर्य नहीं है, वैभव की प्राप्ति चाहते हैं, सुख समृद्धि घर की चाहते हैं, कोई भी मनोकामना है पूर्ति नहीं हो रही है, कोई दुख परेशानी है, मनोकामना बहुत दिन से अधूरी है, तब आपको ये उपाय करना है अपने मन की मनोकामना और धन संपदा में वृद्धि करने के लिए। आपको लेने होंगे 31 मूंग के दाने, हरा वाला जो मूंग आता है, दाल नहीं चाहिए आपको, पूरे खड़े वाले जो आते हैं उस तरह से खड़े मूंग के दाने लेने हैं, नंबर में होने चाहिए 31। अगली चीज़ जो चाहिए वो है एक बेलपत्र लेना है, बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और उसकी जो डंडी है नीचे आप देख पा रहे हैं वो डंडी होनी चाहिए। बहुत से लोग डंडी तोड़ देते हैं जैसे नीचे, लेकिन इस उपाय के लिए डंडी होनी ज़रूरी है, डंडी होनी चाहिए। इस तरह से आपको बेलपत्र लेना है। आप क्या करेंगे, आप एक कटोरी लेना है, उस कटोरी में आपको मूँग के दाने 31 रख लेने हैं, और अपने हाथ में बेलपत्र लेना है दाहिने हाथ में। इस तरह से सेट करिएगा कि आपके बीच की उंगली पे बीच की पत्ती हो और डंडी जो है आपके हाथ की तरफ हो। इस तरह से आपको रखना है और उसके ऊपर ही कटोरी में मूंग दाल जो है वो रखना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपने पूरे घर में आपको वो कटोरी, मूंग की कटोरी लेकर के घूमना है। जब पूरे घर में हर जगह आप घूम जाएंगे, तब आपको अपने घर के मंदिर में आना है और वो बेल जो आपने कटोरी ली हुई है उसको अर्पित करना है, चढ़ाना है, साथ ही साथ बेलपत्र भी उसी कटोरी के अंदर मूंग दाल के ऊपर रख देना है, और एक दीपक आपको गोल बाती का प्रज्वलित कर देना है। अपनी मनोकामना इच्छा कहनी है कि घर में सुख संपदा ऐश्वर्य है, वहाँ पर आपको मंदिर में अपने घर के व्यक्त करनी है। जब दीपक ठंडा हो जाता है तब आपको वो कटोरी उठानी है जिसमें बेलपत्र और मूंगदाना है, मूंगदान, और वहाँ से उठा करके एक लोटा जल लेना है तांबे के लोटे में और चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास। जब आप शिव मंदिर पहुंच गए तो सबसे पहले तो आपको जो आप एक लोटा जल ले करके गए हैं उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वो एक लोटा जल सीधे शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद जो 31 मूंग के दाने हैं वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर मूंग के दाने आपको चढ़ाने हैं, वहाँ पर अपना हाथ रखना है और अपनी एक बार फिर से इच्छा मनोकामना जो भी है वो वहाँ पर कहनी है, कामना की ये हमारे घर में जो भी ये मेरी कामना है पूरी हो जाए, या धन संपदा का अभाव है वो पूरा हो जाए। नाम और गोत्र भी बोलना है वहाँ पर, अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, अपनी इच्छा बोलिए। अब आपके पास बचता है बेलपत्र, तो वो एक बेलपत्र आम सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर जो दाहिनी तरफ होता है शिवलिंग का, वहाँ पर आपको छुआना है, थोड़ा देर रखना है, ओम गंगड़ पतये नमः या ओम गणेशाय नमः कहते हुए वहाँ पर रखना। अगली बार, दूसरी बार आपको नंदी भगवान के पास जाना है और उसको नंदी भगवान के माथे से छुआना है, पैर पे नहीं रखना है कहीं इधर उधर नहीं, माथे से छुआना है मात्र, ठीक है। माथे पे आपने छुआ दिया और एक बार फिर से मनोकामना कह दी। अब वो बेलपत्र वापस आपको लेकर के आना है शिवलिंग के पास। शिवलिंग, अब आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए वो बेलपत्र डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। शिवलिंग के ऊपर उसी बेलपत्र पर आपको अपना दाहिना हाथ रखना है, और हाथ रखने एक बार पूरे हृदय से भोलेनाथ को आपको अपनी मनोकामना जो है वो कहनी है कि जो भी हमारे इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, अपना नाम बोलना है, गोत्र के साथ ही इच्छा बोलनी है। वैशाख महीने में ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तीन दिन, तो फिर आपकी हर इच्छा मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है।
आ जाते हैं अपने अगले उपाय पर। ये उपाय है, अगर घर में कोई सदस्य बीमार रहे, अक्सर बीमार रहता है, तो बीमारी के लिए आपको ये उपाय करना है, बीमारी से बचाव के लिए। कोई सदस्य अक्सर बीमार हो गया, दवाएं असर नहीं करती हैं, इस तरह की समस्या है, तब आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेने होंगे आपको बेलपत्र की जो डंडी होती है ना, आपको बेलपत्र नहीं लेना है, बेलपत्र का नीचे का जो ठुंडी होती है, डंडी जो होती है, 7 बेलपत्र की आपको डंडी वो इकट्ठा करनी है, यानी 7 डंडी आपको इकट्ठा करनी है, लेनी है। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको शहद लेना है, 1-2 चम्मच शहद ले लेना, बहुत होगा 1-2 चम्मच शहद। अब आप क्या करेंगे, शहद एक कटोरी में आपको लेना होगा, थोड़ा सा एक कटोरी में ले लेना है, और एक लोटा जल आपको लेना है, और तीनों सामग्री लेकर के शिव मंदिर चले जाना है। सुबह चाहे सुबह करें, शाम चाहे कभी भी, ये उपाय आप कर सकते हैं। प्रदोष काल में महत्व थोड़ा अधिक होता है, पर आप कर ये कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम, क्योंकि बहुत जगह पर शाम के समय अलाउड नहीं होता है। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो सबसे पहले जो आपने शहद ले रखा है उसको शिवलिंग के ऊपर अच्छी प्रकार से आपको लेप लगाना है, लेपन करना है, ठीक है। ध्यान देना है आपको शिवलिंग के ऊपर और कहीं नहीं, शिवलिंग के ऊपर लगा करके लेपन करना है उसका अच्छी प्रकार से। और साथ ही साथ आपका उस व्यक्ति का जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसका नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, और प्रार्थना करनी है, कामना कि उसके कष्ट से वो दूर हो जाए, उसके कष्ट दुख दूर करो प्रभु, और उसकी बीमारी में उसको लाभ दो, स्वस्थ हो जाए, जो भी कामना आपको अपने हिसाब से करते रहना है, लेपन करते रहना है। फिर थोड़ा सा शहद उसी लेपन से आपने लगाया तो निकाल लेना है, उसी कटोरी में थोड़ा सा शहद आपको निकाल लेना है शिवलिंग से। अब आपने जो 7 डंडियां ले रखी हैं बेलपत्र की, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देनी है, और अंत में 1 लोटा जल भी आपको चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर ही, और अपनी जो भी इच्छा मनोकामना है वो वहाँ पर कह देना, बीमारी के लिए कि उस व्यक्ति का बीमारी, नाम गोत्र जो भी है वो ठीक हो जाए, नाम गोत्र बोल के। और जो कटोरी में आपने शहद निकाला है, अंत में वो बेलपत्र की डंडियाँ भी आपको उठानी है, उसी बेल शहद में रख लेनी है, और वो लेकर के वापस अपने घर चले आना है। उसके बाद आप जब घर आ जाएंगे तो रात्रि के 12 बजे आपको उस व्यक्ति को वो चीज़ें खिलानी है अपने घर के मंदिर में। आप बाहर मंदिर तो कपाट बंद हो जाता है, आप अपने घर के मंदिर में भले ही कपट बंद है, उसके बाहर बैठ करके उस व्यक्ति को शहद से मिला करके डंडियाँ चबा चबा के अच्छी प्रकार से खा लेना है। इससे जो किसी भी प्रकार का रोग बीमारी हो, उस व्यक्ति को कैसा भी कष्ट हो, दुख हो, सारा दुख परेशानी पीड़ा कष्ट उसके मिट जाएंगे। आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय है, जो घर में अगर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, नेगेटिविटी है, ऐसा लगता है नकारात्मक ऊर्जा है, कलेश मचा रहता है, आपस में किसी की किसी से नहीं बनती है, बात बात पे किटकिट पिटपिट होती रहती है, किसी ना किसी से शांति नहीं है घर में, सुख शांति की कमी है, इस वजह से पैसे रुपये भी नहीं टिक पाते हैं, जब भी जहाँ भी क्लेश होता है वहाँ पैसे रुपये नहीं टिक पाते हैं, माता लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं। तो आपको घर की सुख शांति के लिए ये उपाय करना है, आपको एक इस प्रकार से मिट्टी का खाली पात्र, खाली दीपक लेना है, खाली दीपक लेना, साथ ही साथ एक घी का आपको लड्डू लेना है, कैसा भी लड्डू, मोतीचूर का मिल जाए तो मोतीचूर का ले लीजिए, बेसन का, जो भी आपको मिल जाए आसानी से, लेकिन घी का होना चाहिए, वो एक लड्डू ले लेना है। साथ ही थोड़ा सा आपको कपूर ले लेने हैं, जो भी ऐसे छोटे छोटे वाले अगर कपूर हैं तो 5-6 कपूर आप ले लीजिएगा, कपूर ले लिया, साथ ही साथ 1 लोटा जल ले लेना है, और लेकर के चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास। वहाँ पहुँच कर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, सबसे पहला काम ये कर दिया। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास जो चौखट होती है, उस चौखट पर आपको वो दीपक रखना है, उसमें लड्डू डालने हैं, और उसी में आपको कपूर भी डाल देना है, और सभी को एक साथ ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जला देना है उस लड्डू को, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रार्थना करनी है आपको महादेव के सामने जा करके, कि जिस प्रकार मैंने लड्डू को ऊपर कपूर रख करके जलाया हो, उसी प्रकार से आप हमारे घर के दुख दर्द कष्टों को, लड़ाई झगड़ों को, क्लेश को मिटा दीजिए, जो भी वजह हैं उन्हें समाप्त कर दीजिए, ऐसी आपको कामना करनी है, घर में हमारे सुख समृद्धि आ जाए, ऐसी प्रार्थना करनी है। दोस्तों, इस वीडियो में 3 उपाय आपको बताए हुए हैं। आपकी समस्या से संबंधित जो भी उपाय है आप उसे करके ज़रूर देखिएगा। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।